नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस ऑडियो ब्लॉग में। आज विश्व कविता दिवस पर बात करते हैं कविता पर, कुछ कविताओं की। और सबसे पहली नज्म मेरे पसंदीदा शायर गुलजार साहब की। तो नज्म कुछ यूं है। थोड़े से करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब, थोड़े से करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब, और राख उड़ेगी सूरज से, और राख उड़ेगी सूरज से, जब कोई चांद न डूबेगा और कोई जमीन न उभरेगी, जब कोई चांद न डूबेगा और कोई जमीन न उभरेगी, दबे बुझे एक कोयले सा टुकड़ा ये जमीन का घूमेगा, दबे बुझे एक कोयले सा टुकड़ा ये जमीन का घूमेगा, भटका भटका मध्यम खाकिस्तरी रोशनी में, भटका भटका मध्यम खाकिस्तरी रोशनी में। मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज पर लिखी एक नज्म कहीं, मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज पर लिखी एक नज्म कहीं, उड़ते उड़ते सूरज में गिरे और सूरज फिर से जलने लगे, उड़ते उड़ते सूरज में गिरे और सूरज फिर से जलने लगे। दूसरी रचना है केदारनाथ सिंह जी की मुक्ति। यह भी मेरी प्रिय कविता है। मुक्ति, मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला मैं लिखने बैठ गया, मुक्ति का जब कोई रास्ता नहीं मिला मैं लिखने बैठ गया हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ पेड़, यह जानते हुए कि लिखना पेड़ हो जाना है। मैं लिखना चाहता हूँ पानी, आदमी, आदमी मैं लिखना चाहता हूँ, एक बच्चे का हाथ, एक स्त्री का चेहरा। मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरह, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, यह जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा, यह जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका, यह जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होगा। मैं भरी सड़क पर सुनना चाहता हूँ वह धमाका जो शब्द और आदमी की टक्कर से पैदा होता है, यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा, यह जानते हुए कि लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं लिखना चाहता हूँ।